सीआरसी के दिव्यांग बच्चों के द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर हस्त निर्मित राखी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके संबंध में सीआरसी की ओकेशन इंस्पेक्टर संध्या सिंह ने बताया कि 25 अगस्त से सीआरसी के दिव्यांग बच्चों के द्वारा राखी को देखते हुए एक महीने पहले से राखी बनाई गई है, जिसका स्टॉल लगाया गया है। इससे दिव्यांग बच्चों को रुपए की पहचान करवाई जा रही है, जिससे सभी बच्चे रुपए के बारे में जान पाए। अभी तक 25 लोगों ने बच्चों के द्वारा बनाए गए राखी को खरीदा है, जो कि अच्छा बिक रहा है। यह स्टॉल 30 अगस्त तक चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीआरसी के ओकेशन इंस्पेक्टर संध्या सिंह ने कहा, यहाँ पर राखी का स्टॉल लगाया गया है सर। मैंने 25 तारीख से बच्चों के द्वारा लगवाई है स्टॉल यहाँ पे, इसका प्रदर्शनी का। और हमारे बच्चे ने राखी बनाई, करीब एक महीने से कुछ बच्चे बनाकर मेहनत कर रहे थे इसमें बनाए, और यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। इसके माध्यम से हमारे बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, वो रुपये पैसे का पहचान भी करते हैं। उनको ये भी पता है कि जो हमारा ये पर्व आ रहा है, राखी का त्यौहार, भाई बहन का जो त्यौहार होता है, इसके माध्यम से हम इनको ये भी बताते हैं कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और कैसे किया जाता है। अभी बच्चे खरीदारी कर रहे हैं? यस सर, खरीदारी करने के लिए कल भी हमारे पास बहुत भीड़ थी सर, करीब 25 लोग आए थे और राखियां खरीदे हैं। इनसे बच्चों के द्वारा वो लेते हैं, बच्चों को पैसा देते हैं, रुपये पैसा का, जिससे उनको ज्ञान होता है कि वो अगर 20 के नोट दे रहे हैं तो कितना हमें वापस करना है, या 50 का दे रहे हैं तो कैसे करना है। इसके माध्यम से हम बच्चों को सिखा रहे हैं। नाम मेरा नाम संध्या सिंह, ओकेशन इंस्ट्रक्टर, सीआरसी गोरखपुर।